नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। 350 से ज्यादा बदमाशों पर कार्रवाई, अफसरों ने नाइट कल्चर को लेकर व्यापारियों को दिलाई शपथ। इंदौर पुलिस कमिश्नर ने त्योहारों के चलते शनिवार को पैदल मार्च निकाला। इसके बाद शनिवार रात में मार्च के बाद कॉम्बिंग गश्त की गई, जिसमें अपराधियों को चेक किया गया। करीब 1450 बदमाशों को चेक करने के बाद 350 पर कार्रवाई की गई है। वहीं जोन 2 में DCP ने व्यापारियों को CCTV कैमरे लगाने, पार्किंग ठीक से करने और महिलाओं से अच्छे व्यवहार की शपथ दिलाई। DCP जोन 2 अभिषेक आनंद शनिवार को LIG चौराहे पर पहुंचे। यहां से नाइट कल्चर के दौरान खुली रहने वाली दुकानों के व्यापारियों से बात की। उन्हें बताया कि किस तरह से उन्हें नियमों का पालन करना है, इसके साथ ही महिलाओं से कर्मचारी और अन्य लोगों को अच्छे से व्यवहार करना है, किस तरह की गलत या संदिग्ध गतिविधि के मामले में सीधे पुलिस से संपर्क करना है। कॉम्बिंग गश्त में गुंडे बदमाशों की धरपकड़। एडिशनल DCP राजेश दंडोतिया ने बताया कि शहर में बीती रात 1450 बदमाशों को चेक करते हुए 350 पर वैधानिक कार्रवाई की गई। इधर 166 से ज्यादा वारंटों को तामिल कराने के साथ फरार 97 स्थायी वारंटियों को थाने लाया गया। 69 गिरफ्तारी और कई जमानती वारंट भी तामिल किए गए। अवैध हथियार और जुआ एक्ट के साथ 100 से ज्यादा शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।